फ्रेंड्स, तो आज बना रहे हैं हम साबूदाना और रवा का ब्रेकफास्ट। है तो ये इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है एक दिन पहले। तो आज बना रहे हैं साबूदाना और रवा की इंस्टेंट इडली। आपको लग रहा होगा कि ये शायद सॉफ्ट एंड फ्लफी नहीं होगी। ये देखिए, ऐसी सॉफ्ट भी होती है, फ्लफी भी होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। बनाने में है बहुत आसान, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े बाउल में ले रहे हैं हम साबूदाना, जिन्हें हमने रात को धो के भिगो के रखा था पानी में। अगर आप रात को भिगोना भूल जाते तो कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर भिगो के रखिएगा। तो ये साबूदाना डालने के बाद इसमें डाल रहे हैं हम रवा। ये है सूजी। तो सूजी आपकी मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। दोनों ही केसेस में इडली बड़ी अच्छी बनती है। और उसके बाद डाल रहे हैं इसमें दही। तो ये फ्रेश कर्ड है। अगर आपका कर्ड स्टेल भी है ना, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि स्टेल कर्ड से इडली बहुत ज़्यादा फ्लफी बनती है। तो ये सब हमने कर दिया अच्छी तरह से मिक्स, और इसमें डाल रहे हैं पानी। मेजरमेंट्स ठीक तरह से देख लीजिएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसी आने तक आप उसे पानी डालते जाइएगा। और बैचेस में डालेंगे तो आपका अच्छा कंट्रोल रहेगा आपके बैटर पे। तो ये हमारा बैटर देखिए मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, कुछ लम्स नहीं होने चाहिए। बस इसे मिक्स करके रख देते हैं, करीबन 10 से 15 मिनट तक इसे रेस्ट करते हैं। तो 15 मिनट के बाद आप देखेंगे तो बैटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा, जो सूजी है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी तो वो थिक हो जाता है। तो और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इडली के कंसिस्टेंसी की जैसी। बहुत ज़्यादा पतला या फ्री फ्लोइंग हो गया ना, तो आपकी इडली अच्छी तरह से नहीं बनेगी। बस उसके बाद इसमें डाल रहे हैं अदरक, जिसे हम कद्दूकस करके डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्ची, जिसे हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। और अब डाल रहे हैं इसमें सोडा बाइकप। ये खाने वाला मीठा सोडा है जो पकौड़े में जाता है। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो आप इसके बजाय इनो भी डाल सकते हैं, एक बिना फ्लेवर वाला इनो डाल सकते हैं। तो ये डाल के मिक्स कर दे रहे हैं। बस एंड में डाल रहे हैं इसमें सॉल्ट, नमक डाल रहे हैं, इसे डालेगा स्वाद के अनुसार। तो ये मिक्स करके हमारा बैटर हो चुका है बिल्कुल ही रेडी। चलिए करते हैं आगे का स्टेप। तो पहले कर दे रहे हैं इडली के मोल्ड को ग्रीस। इसे ग्रीस कर रहे हैं ऑयल के साथ, और ग्रीस करने के बाद इसमें डाल दे रहे हैं इडली का बैटर। तो एक स्पून एक इडली के लिए काफ़ी हो जाता है, इसे ज़्यादा ओवरफ्लो मत करिएगा, थोड़ी सी जगह रहने दीजिएगा उसके एक्सपांड होने के लिए। तो इसी तरह बाकी सब इडली डाल दे रहे हैं, और डाल दे रहे हैं हमारे इडली के मोल्ड्स को स्टीमर में, जिसमें हमने पानी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। अब इन्हें स्टीम करना है करीबन 15 से 20 मिनट। एक बार बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर स्टिक हो रहा है तो मतलब इसे और ज़रा स्टीम होना है। जैसे रेगुलर इडली बनती है बस वैसे ही बनाना है। तो ये देखिए, हमें 15 मिनट के बाद इडली बिल्कुल ही अच्छी तरह से बन चुकी है। और इसे ठंडा करने के बाद कर दिया हमने डी मोल्ड, और देखिए कैसी सॉफ्ट इडली है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? बहुत आसान है ना, ज़रा सी हटके इडली है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपकी साबूदाना इडली कैसी बनी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज और वीडियोज़ वक्त पर मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।